हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैरेबियन प्रीमियर लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा त्रिनबागो नाइट राइडर्स वर्सेस सेंट लूसिया किंग्स के बीच में सेंट किट्स के वॉर्नर पार्क स्टेडियम के अंदर 31 अगस्त को शाम के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको सीपीएल के मुकाबलों के अलावा इंग्लैंड इंडिया के मुकाबले, आयरलैंड जिम्बाब्वे के मुकाबले, बांग्लादेश न्यूजीलैंड के मुकाबले, इन सारे मुकाबलों की फैंटेसी टीम मिलने वाली है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। और आप फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर, जहां पे आपको कैरेबियन प्रीमियर लीग का लीडर बोर्ड ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको सभी मुकाबलों के अंदर सुपर हिट कॉन्टेस्ट खेलना है और एंड के अंदर जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको एडिशनल मनी मिलेगा फैन टू प्ले की तरफ से। साथ ही में आपको सेकंड इनिंग्स फैंटेसी का फीचर मिलता है, 2, 3 या 4 प्लेयर की चैलेंज फैंटेसी का फीचर मिलता है और हर मुकाबले के अंदर एक फ्री एंट्री भी मिलने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करने पे बोनस कैश मिलेगा। तो डाउनलोड करो फैन टू प्ले को और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो अब तक सारे के सारे मुकाबले एक ही पिच पे खेले गए, इस वजह से इसका नेचर क्या रहेगा इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि पिछले 2-3 मुकाबलों के अंदर बल्लेबाजी करनी उतनी आसान नहीं रही है इस ट्रैक के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूं त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बारे में, जो कि अपने 3 में से 2 मुकाबले हार चुका है और ये टीम को वापसी करनी पड़ेगी। त्रिनबागो की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। हालांकि टिम साइफर्ट ने काफी जबरदस्त पारी खेली पिछले मुकाबले में, वो टीम को जिता नहीं पाया, पर फिर भी साइफर्ट की बल्लेबाजी बहुत ही शानदार थी। कॉलिन मनरो बिल्कुल फॉर्म में लग नहीं रहे, पिछले मुकाबले 40 रन मारे पर उसके लिए उन्होंने 46 बॉलें खेली। मनरो को अग्रेसिव खेलना पड़ेगा, वो रिदम में बिल्कुल भी नहीं लग रहे। और सेम बात है लैंडन सिमंस की तरफ से, लैंडन सिमंस ने पिछले साल काफी तगड़ी बल्लेबाजी करी थी लेकिन इस साल बिल्कुल फॉर्म में लग नहीं रहे। ये तीनों बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं, टीकेआर के काफी अच्छे प्लेयर हैं, इनको फॉर्म में आना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर। कारन पोलार्ड ने भी एक बड़ी पारी खेली इस टीम के लिए, उनसे भी काफी ज्यादा उम्मीद होने वाली है इस मुकाबले में। हालांकि गेंदबाजों ने वापस से काफी अच्छा काम किया है, रवि रामपाल अब तक कुछ 6 विकेट निकाल चुके हैं इस टीम के लिए, एक काफी वेटरन तेज गेंदबाज रहे हैं वो। उसके अलावा अकील हुसैन को भी 4 विकेट मिल चुके हैं, एक काफी अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, इकोनॉमिकल भी रहते हैं। सुनील नारायण भी 3 विकेट निकाल चुके हैं इस टीम के लिए और उनकी गेंदबाजी भी काफी शानदार रही है। तो त्रिनबागो की जो भी गेंदबाज हैं वो काफी शानदार फॉर्म में लग रहे हैं इस टीम के लिए, लेकिन बल्लेबाजी के अंदर बिल्कुल भी रिदम नहीं आ पा रहा। काफी बड़े बल्लेबाज हैं इस टीम के अंदर और टीम जरूर से मुकाबला जीतना चाहेगी। अगर टीम यहां पर हारे तो टीम को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली आगे मुकाबलों के अंदर। अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं लैंडल सिमंस और टियोन वेबस्टर, नंबर 3 पे कॉलिन मनरो, नंबर 4 पे टिम साइफर्ट, नंबर 5 के ऊपर कारन पोलार्ड, नंबर 6 के ऊपर सुनील नारायण, नंबर 7 के ऊपर दिनेश रामदीन, फिर आपके आते हैं इसुरु उडाना, रवि रामपाल, अकील हुसैन और जेडन सील्स। जरूर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला टीकेआर की टीम के लिए। अब मैं आपसे बात करता हूं सेंट लूसिया किंग्स के बारे में, जिन्होंने पिछले मुकाबले के अंदर टीकेआर की टीम को हराया है और ये टीम अब तक अपने 2 में से 1 मुकाबला जीत चुकी है। हालांकि फॉर्म इतना अच्छा नहीं है इस टीम का, लेकिन फिर भी टीम को जीत मिल गई पिछले मुकाबले में। इनके लिए बल्लेबाजी के अंदर टिम डेविड बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों मुकाबलों के अंदर टिम डेविड ने अकेले दम पे अच्छी बल्लेबाजी करी है इस टीम के लिए। रॉस्टन चेज़िक काफी रिलायबल प्लेयर है इस टीम के अंदर, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हुए काफी डिसेंट लग रहे हैं। उसके अलावा उनकी स्पिन बॉलिंग भी इस ट्रैक पे काफी ज्यादा काम आने वाली है। रहकीम कॉनवॉल इस टीम के लिए अग्रेसिव शुरुआत देते हैं, रहकीम कॉनवॉल तेज खेलेंगे फिर आउट हो जाएंगे, वो बॉल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। हालांकि कप्तान फाफ डू प्लेसी काफी खराब फॉर्म में चल रहे हैं, वो कंकशन के बाद हैं, उम्मीद करते हैं इस मुकाबले के अंदर फाफ डू प्लेसी भी फॉर्म को हासिल कर लेंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो उम्मीद करते हैं कि ओबिन मकॉय फिट हो जाएंगे इस मुकाबले के अंदर
ओवन मकाउ का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है इस टीम के लिए। वहब रियाज ने काफी डिसेंट स्पेल डाला पिछले मुकाबले में, एक बहुत ही एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज है वहब रियाज। पर सबसे अच्छी बात है कि उम्मीद करते हैं कि समित पटेल ये मुकाबला खेल सकते हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर समित पटेल एक काफी तगड़े प्लेयर हैं, वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों टीम से स्ट्रॉन्ग करेंगे सेंट लूसिया की, तो उनका आना एक बहुत ही बड़ी बात होने वाली इस टीम के लिए। तो सेंट लूसिया को भी बल्लेबाजी में सुधार करना पड़ेगा हर मुकाबले के अंदर, टिम डेविड रन नहीं बनाने वाले। अगर मैं आपसे बात करता हूं सेंट लूसिया की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं रहकीम कॉनवॉल और एंड्रे फ्रेचर, नंबर 3 पे फाफ डु प्लेसी, नंबर 4 पे रॉस्टन चेज, नंबर 5 पे टिम डेविड, नंबर 6 पे समित पटेल, नंबर 7 पे कीमो पॉल, फिर ओबिन मकॉय, वहब रियाज, अलजरी जोसेफ और उस्मान कादिर जरूर से एक इंपॉर्टेंट मुकाबला सेंट लूसिया के लिए भी। आप मुझे कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी सेंट लूसिया, वो टीम होगी टीकेआर, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली स्क्रीन के ऊपर। तो भले त्रिनबागो का फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा हो, पर मेरे हिसाब से त्रिनबागो बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम है और मुझे पूरी उम्मीद है वापसी करेंगे इस मुकाबले में। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब भी चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।